राजेश शर्मा। आइए अब हम कुछ मिसालें हल करते हैं। जैसे यहाँ पर 4 से 484 को तकसीम करना है। सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि उल्टे हाथ की तरफ से हमको तकसीम का अमल करना होता है। यहाँ पर भी वही अमल है। यहाँ पर सबसे पहले उल्टे हाथ की तरफ क्या है, 4 है। 4 के पहाड़े में 4 को ढूंढने ही हमको 4 का पहाड़ा याद होना जरूरी है। 4 का 4, 4 दुनिया 8, 4 किया 12। देखो शुरू में एक नंबर पर हमको 4 मिल गया है ना, तो 4 के पहाड़े में 4 कितने नंबर पर, एक नंबर पर। 4 के पहाड़े में एक नंबर पर क्या है, 4 है। इसके नीचे 4 लिखेगी, यहाँ पर इसकी तफरीक करेगी। हमने पिछले उसमें भी देखे कि यहाँ क्या करना है, तफरीक करना है। 4 में से 4 गए सिफर। अब क्या है, उसके बाजू वाला आदत, 4 के बाजू वाला आदत, उसको नीचे उतारना है। यह आ गया नीचे, कितना बना 8, 80 नहीं बना, कितना बना 8 बना। अब 4 के पाड़े में इस 8 को ढूंढना है। कहां है 4 के पाड़े में 8, देखिए 4 एक 4, 4 दूनी 8, वेरी गुड, 8 मिल गया। 4 के पाड़े में 8 कितने नंबर पर, 2 नंबर पर। 4 के पाड़े में 2 नंबर पर क्या है, 8 है। यहां क्या करना है, तफरीक करना है। याद रखो एक बात जहन में बिल्कुल बिठा लो कि इकाई वाला आदत इकाई के नीचे, दहाई वाला आदत दहाई के नीचे। अगर गलती से आपने ये 8 को यहाँ लिख दिए और तफरीक करें तो ये 8 के 8 आएंगे, 0 में से 8 नहीं जाते, यहाँ क्या करेंगे। इसलिए ऐसी गलती नहीं करना है आपको, बिल्कुल इकाई के नीचे इकाई अदद लिखना है, याद रखो। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, फिर उनके हिसाब में एक जगह गलती हुई सब जगह गलती आती है, इसलिए उससे बचिए। इकाई के नीचे इकाई लिखिए, 8 में से 8 गए सिफर, ये सिफर का सिफर, हमने इसको तकसीम दे दिए, इसको तकसीम दे दिए। अब ये रह गया, इसको नीचे उतारो, 4, कितना बना 4 बना, 400 बना क्या, नहीं, इकाई से पहले है ये सब 0, तो ये 4 से पहले है ये 0, 4 के बाद नहीं है, इसलिए 4 की कीमत रहेगी। अब 4 के पाड़े में 4 को ढूंढेंगे, 4 के पाड़े में 4 कितने नंबर पर, एक नंबर पर, वेरी गुड, ये एक यहाँ लिखे। 4 के पाड़े में एक नंबर पर क्या है, 4 है, ये 4 यहाँ लिखेगी, बराबर 4 के नीचे 4 लिखेंगे, तफरीक की अलामत लगाएंगे, 4 में से 4 सिफर। जवाब कितना आया, 121, वेरी गुड। आइए दूसरी मिसाल देखते हैं हम लोग, क्या है दूसरी मिसाल, 3 तकसीम 396, 3 तकसीम 396। अब देखिए 3 के पहाड़े में सबसे पहले हम पहले अदद को देखेंगे, किसको, 3 को, 3 एक 3, 3 दो 6, 3 क्या 9, 3 चौक 12, यहीं तक पाड़ा हम लिखते हैं। 3 के पाड़े में 3 को ढूंढेंगे, 3 के पाड़े में 3 दिखाई दे रहा है, जी हाँ, कितने नंबर पर, एक नंबर पर, यस, यहाँ एक लिख लो। 3 के पाड़े में एक नंबर पर क्या है, 3 है। यहाँ क्या करना है बताइए, वेरी गुड, तफरीक करना है, 3 में से 3 गए सिफर। अब क्या करना है, बाजू वाले अदद को उतारना है, किसको, 9 को, 9 उतरेगा। अब क्या करना है, 3 के पाड़े में 9 को ढूंढना है, कहाँ है 3 के पाड़े में 9, दिखाई दे रहा है 3 का 3, 3 दोनी 6, आ गया 3 तिया 9, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप भी ढूंढ रहे हैं, आपको भी पाड़ा याद है, 3 के पाड़े में 9 आ गया, कितने नंबर पर, 3 नंबर पर। 3 के पाड़े में 3 नंबर पर क्या है, 9 है, ये 9 हम इसमें तफरीक करेंगे। देखो मैं 9 के नीचे बराबर 9 लिखा, 0 के नीचे 9 नहीं लिखा, आप भी ऐसी गलती ना करें, आप भी इसी तरह से लिखे, 9 में से 9 गए सिफर, ये सिफर का सिफर। अब क्या उतारेंगे, 6 को उतारेंगे, है ना, शाबाश, वेरी गुड। देखो 3 को दे दिए हमने तकसीम, 9 को दे दिए, कौन रह गया, 6 रह गया, उसको नीचे उतारेंगे, वेरी गुड।
ये छह उतरा, कितना बना? छह ही बना। अब तीन के पहाड़े में क्या करेंगे? छह को ढूंढेंगे। तीन के पहाड़े में छह है कहीं पर? जी हाँ, तीन एका तीन, तीन दोनी छह। यहाँ पर कितने नंबर पर है? दो नंबर पर है। तीन के पहाड़े में दो नंबर पर कितने हैं? छह है। ये छह लिखे, यहाँ तफरीक करें, तफरीक छह में से छह गए सिफर। इस तरह से जवाब कितना आया? 132। समझ में आ गया? आप लोगों को मैं कुछ मिसालें हल करने के लिए दूंगा, उसे आप अपने अंदाज से हल कीजिए। शुक्रिया।